राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा मुंबईमध्ये काही तासांमध्ये पोहोचत आहे. मी आज कुर्ला परिसरामध्ये आहे. कुर्ला परिसरामध्ये काँग्रेसच्या वतीने एक वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली आहे. कुर्ला परिसरातील अनेक ठिकाणी मोठमोठे असे बॅनर उभा करण्यात आलेले आहेत. या संदर्भात आपल्यासोबत बोलण्यासाठी काँग्रेस नेते आहेत. सर, काय सांगाल, क्या कहोगे राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा दादर जा रही है, इस LBS रोड से जा रही है, आपकी पूरी तैयारी हुई है, किस तरह की तैयारी है वो बताओ. एक बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में जोश है. लोग जो स्थानीय लोग हैं वो व्याकुल हैं, इतने फोन आते हैं कि वो पूछते हैं कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं. आज आप ये समझ लीजिए कि मुलुंड में वो आ चुके हैं और 2 बजे के बाद कभी भी वो कुर्ला पहुंच सकते हैं. हालात ऐसे हैं और हम में पूरा भरोसा है कुर्ला और अगल बगल की जनता पर कि इनका ये दौरा जो यहाँ आएगा, जो यात्रा, वो एक ऐतिहासिक यात्रा होगी. आप देखना, तिल धरने की जगह नहीं होगी. और ये मुंबई शहर में जो आज का ये समापन होगा चैत्य भूमि पर, वो इस बात का संदेश होगा कि संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो योद्धा निकला है, गरीबों, कमज़ोरों, अकलियतों, किसानों, मजदूरों, OBC, SC, ST, महिलाओं और वो तमाम गरीब लोग जिनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वो योद्धा यहाँ कुर्ला आ रहे हैं, बम्बई आ रहे हैं, वो आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित होगा. और आप देखना कि जिस रास्ते से गुजरेंगे वो तमाम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी. खासतौर से हम लोग उत्तर मध्य जिला से हैं और उत्तर मध्य जिला में महाविकास आघाड़ी की ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ विजयी होगी और भरपूर मार्जिन से होगी. आपने किस तरह की तैयारी की कि किया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं. देखिए, तैयारी तो आप देख रहे हैं रस्तों पर, जिस तरह से बैनर, पोस्टर, जिस तरह से झंडे, जिस तरह से मंच, ये सारे रस्तों पर लगे हुए, जिस तरह से कार्यकर्ता सुबह से आगे पीछे लोगों के गलियों चालियों में दौड़ रहा है, वो थोड़ी देर में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी जो तैयारी है उससे ज़्यादा तैयारी लोगों ने की है. हम तो अपने लेवल पर जितना भी कर सकते थे, ये तमाम रास्ते बताएंगे आपको, मुलुंड से लेकर तो चैत्य भूमि दादर तक जो रास्ते हैं वो आपको बताएंगे कि हम अपने नेता का इस्तकबाल, उसका स्वागत करने के लिए कितने व्याकुल हैं और कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं. काय सांगाल, देशामध्ये एकूणच कशा प्रकारचं वातावरण या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या माध्यमातून तुम्हा कार्यकर्त्यांना एक प्रेरणा मिळून जाते त्याविषयी काय? आमचे आदरणीय राहुल गांधीजी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आज BJP गव्हर्नमेंटने जे राहुल गांधीवरती अन्याय केलेले, आज गरीब जनता आज बघतायत की राहुल जी आज जे संघर्ष करतायत, आज एवढे हजारो किलोमीटर चालत आज मुंबईला येत आहेत. आज लोकांनी बघितलं की एक नेता असा आहे, असा पण एक नेता आहे की जो खाली तळागाळाच्या कार्यकर्त्याला पण तो भेटतो. आणि आज तो एक संदेश घेऊन येतो आहे मुंबईला की आज जी मुंबईची जी आज मुंबईमध्ये बघायला गेलात तर जेवढे भ्रष्टाचार जे चालू आहे, या अदानीने जेवढी एवढी मोठी तानाशाही केली आहे पुऱ्या मुंबईमध्ये, गोरगरिबांचे झोपडे लुटायचे, गोरगरिबांना उद्ध्वस्त करायचं, फक्त अदानीच्या कंपनीलाच फक्त सगळं टेंडर द्यायचे, कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचे, आज यांची जी तानाशाही चालू आहे आज गोरगरीब जनता बघत आहे डोळ्यांनी. आणि येणारा काळ निश्चित आहे की राहुल गांधी मुंबईमध्ये आमची जी 7 ची 6 महाविकास आघाडीची सीट आहेत, आमचा प्रयत्न आहे, आम्ही अशी कार्यकर्ता आणि पार्टीचे निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून आम्ही प्रयास करणार की मुंबईमध्ये आमची 7 च्या 6 सीटा आमच्या आले पाहिजे. नक्कीच काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पूर्ण आत्मविश्वास आहे राहुल गांधी यांची भारत न्याय जोडो यात्राची मुंबईमध्ये येत आहे. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. मी आज कुर्ला परिसरामध्ये आहे. कुर्ला परिसरामध्ये बघायला गेलं तर काँग्रेसकडून मोठी अशी त्यांच्या स्वागतासाठी तयारी केलेली आहे. त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मुंबई पोलिसांना मुंबई पोलिसांकडून सुद्धा खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. मी गुणवंत दांगड, DRV News, मुंबई.